बात हाई स्पीक किया हुआ है तो मैं देख सकते हो। हेलो लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एक और नए रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ आपके सामने पेश हूँ, जो होने वाला है मिंत्रा जंपसूट हॉल अंडर ₹849 ओनली। फिर चाहे एथनिक हो, डेनिम हो, फॉर्मल हो, सब कुछ मिलने वाला है एंड बहुत ही प्यारे प्यारे। एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबके मिल जाने वाले हैं। तो चलो बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले जंपसूट की बात करना, जो कि ये है ऑलिव ग्रीन इन कलर में। मीडियम मैंने अपना साइज पिक किया है, 5'3" मेरी हाइट है, तो अकॉर्डिंग देख लेना 5'8" हाइट तक को आराम से आ जाएगी, क्योंकि मैंने कैनवस शू के साथ पहना हुआ है या स्नीकर के साथ पहना हुआ है तो इतनी हाइट आ रही है, मतलब कितनी लेंथ आ रही है आप अकॉर्डिंग देख लेना। पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, ऑलिव ग्रीन इन कलर में है, देख सकते हो। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा क्लासी कलर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा शीक लुक देता है, ये थोड़ा रिच लुक भी देता है। ये ऐसा कलर है जो बहुत रिच लुक देता है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। फिर आप इस कलर की टी शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, टॉप ले लो, या फिर एथनिक वेयर में भी ले लो, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सोफेस्टिकेटेड कलर है ये। तो देख सकते हो इस तरह से मिलेगा कॉलर, शर्ट कॉलर वाली, एंड ये सामने आपको बटन की डिटेलिंग मिलेगी जो कि पूरी ही खुलती है, फुल स्लीव्स मिलेगा एंड स्लीव्स पे भी आपको बटन की डिटेलिंग मिलेगी। ये भी आप फॉर्मल में अपने यूज कर सकते हो, कैसे वो मैं बता देती हूँ। आप इस पे ब्लेजर कैरी कर सकते हो, उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा। और अगर आपके अलाउ है जंपसूट इस टाइप के, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनी वगैरह में लोग पहनते हैं, तो आप कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बात करें यहाँ पे, देख सकते हो हल्का सा वेस्ट के पास आपको इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिलेगी, और यहाँ पे आपको दो ऐसे मतलब दो क्या एक डोरी मिलेगी, तो आप आगे की ओर या पीछे की ओर जैसा आप चाहो वैसा बांध सकते हो। एंड ये पूरी ही ऐसे स्ट्रेट जाती है, ठीक है। थोड़ी सी मुझे सी थ्रू लग रही है, हल्की सी, तो आप नीचे साइकिलिंग शॉर्ट्स वगैरह डाल लेना, वैसे इतना इशू नहीं है, पर हाँ डाल लेना सेफ्टी के लिए। एंड बहुत सही लग रही है। प्राइस की बात करें तो प्राइस होने वाली है ₹779 की, उस हिसाब से काफी अच्छी लग रही है। ट्राई ऑन में आपको ज्यादा लुक इसका पता चल जाएगा। मैं अगले जंपसूट की, जो कि ये है, मैंने कहा हर एक चीज डालूं, एथनिक हो, डेनिम हो, फॉर्मल हो, सारा कुछ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं लेके आ गई ये डेनिम वाली लुक एट दिस। डेनिम मटेरियल होने वाला है और इस हॉल की सबसे महंगी होने वाली 849, और इस पे मुझे नहीं पता क्यों कॉटन मटेरियल दिया है, बट ये कॉटन नहीं है, डेनिम मटेरियल ही है। एंड लुक एट दिस, नेक लाइन पे कितनी प्यारी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी दे रखी हुई है, बहुत प्यारा काम दे है, बहुत प्यारा लग रहा है देखो। एंड वी नेक लाइन आएगी इसकी, थोड़ी सी डीप है, बट इसके नीचे तो आप कुछ ना कोई टॉप पहनोगे, कोई टैन टॉप पहन लेता है, कोई शर्ट पहन लेता है, इस तरह से टॉप पहन सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पहना है वैसा आप भी पहन सकते हो, तो वो भी अच्छे से जाएगा, बहुत प्यारी लग रही है ये। इसमें आपको यहाँ पे पॉकेट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको बेल्ट, यहाँ आपको बेल्ट की डिटेलिंग भी देखने को मिलेगी, एंड सामने आपको एक बटन भी मिलेगी, यहाँ एक जिप भी मिलेगी, ठीक है, एंड पीछे भी आपको दो पॉकेट मिल रही है, मतलब आगे भी और पीछे भी, ये पूरी एकदम एक डेनिम ही बना दी है, मतलब जीन्स की तरह। एंड ये ऐसे पूरी स्ट्रेट जाती है, नीचे से थोड़ा वाइड हो जाती है, ठीक है। बाकी ये स्ट्रेचेबल है नहीं, ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बहुत प्यारी लग रही है, देख सकते हो जैसे मैंने स्टाइल किया वैसे आप भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। मैंने तो खैर स्नीकर्स के साथ स्टाइल किया, आप अपने किसी भी कलर के शू के साथ स्टाइल कर सकते हो, ज्यादातर ये शू पे ही अच्छा लगेगा, मुझे नहीं लगता ये हील्स के साथ उतना खिलेगा, बट हो भी सकता है, ट्राई कर लेना, ट्राई करने में क्या जाता है। बात करते हैं अपने अगले जंपसूट की, जो कि ये है, मैंने बोला था ना कि मैंने फॉर्मल वेयर के लिए भी एक पिक किया है, तो ये देखो कितना प्यारा पीच कलर में पोलका डॉट्स के साथ मिलेगा। पॉलिएस्टर इसका फैब्रिक होने वाला है, अंदर आपको इनर मिल जाएगा, तो सी थ्रू की तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, एंड बहुत प्यारा कलर लग रहा है। मीडियम मैंने इसमें अपना साइज पिक किया है, एंड स्लीव्स आपको ऑलमोस्ट फुल के जैसी है, पर थ्री फोर्थ मार्न के चलो आप, और यहाँ पे इलास्टिकेटेड ये वाली डिटेलिंग मिलेगी, तो एक थोड़ा वो रफल टाइप की कह सकते हो आप, थोड़ा पफ वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी। बैक पे आप देख सकते हो आपको पूरी जिप मिलेगी, ताकि आप आराम से खोल के पहन सको इसे, ठीक है। ये देखो इस तरह ये पूरा खुल जाता है, ठीक है, तो इजिली आप कैरी कर सकते हो। नीचे ब्लैक कलर से दिया हुआ है पूरे पैंट स्टाइल में, आपको इसमें पॉकेट भी देखने को मिल जाएगी, तो यू कैन कैरी योर मोबाइल वगैरह जो भी आपका मन करे। सो ये देख सकते हो नीचे से थोड़ा वाइड जाता है,
एंड इसका भी मटेरियल पॉलिएस्टर ही है, दोनों ही मटेरियल, एंड बहुत प्यारी लग रही है। लुक एट दिस, देख सकते हो मैंने इसे व्हाइट हील के साथ कैरी किया है। चुम्बेश्वरी लग रहा है, मतलब फॉर्मल में तो आपको जरूरत ही नहीं है सोचने की कि ऊपर क्या पहने नीचे क्या पहने, इसको डालो एंड यू गुड टू गो। पर्स वगैरह ले लो अपनी। प्राइस की बात करें तो 639 रुपीस की है, उस हिसाब से बहुत प्यारा पीस है। अगले जंप सूट की जो कि ये है, इसमें कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने पिक किया है ये ऑरेंज कलर, पॉलिएस्टर का मटेरियल है, मीडियम मैंने इसमें अपना साइज पिक किया हुआ है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे आपको सामने कुछ नहीं, पीछे की ओर इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिलेगी, तो एक अच्छा सा पूरा स्ट्रक्चर बन के आएगा। पफ वाली स्लीव्स मिलेगी, यहाँ भी इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिलेगी, ठीक है। एंड ये ऐसे पूरी ही स्ट्रेट जाती है, एंड आपको दोनों ही साइड पॉकेट देखने को मिलेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ऑरेंज एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है, बहुत प्यारा लग रहा है। नीचे से वाइड हो जाती है एंड बहुत सुंदर लग रही है। देखो ओवरऑल बहुत प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ भी आपको हल्की इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिलेगी, वही जो पीछे है वही वाली है, तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन के आता है। ये आप अपने वेकेशन वगैरह पे कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड बहुत कंफर्टेबल है यार। और सीथू की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंदर इसकी लाइनिंग वगैरह दी हुई है, तो उसकी कोई चिंता नहीं होने वाली है। 724 रुपीस की है, उस हिसाब से बहुत प्यारा है। बात करते हैं अपने लास्ट और फाइनल पीस की जो कि ये है। मैंने बोला था ना, मैंने सब कुछ ले रखा है, फॉर्मल हो एथनिक हो सारा कुछ लिया हुआ है। तो ये रहा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सूट वगैरह पहनना पसंद नहीं है, कौन दुपट्टा कैरी करे, कौन सूट ले पैंट ले, तो इस तरह के एथनिक जंप सूट आप कैरी कर सकते हो, गर्लिश लुक के लिए बहुत प्यारा लगेगा। बात करें इसकी तो विस्कॉस कॉटन मिक्स मटेरियल होने वाला है। हाँ जी, ये देख सकते हो इतना प्यारा पिंक कलर में, एंड ये थोड़ा वो इक्कत प्रिंट के साथ है। वी नेक लाइन मिलने वाली है एंड सामने आपको ये वाइट बटन की डिटेलिंग मिलेगी जो कि ओपन होती है पूरी, ठीक है। स्लीव्स की बात करें तो 3-4 स्लीव्स मिलेगी बेल स्लीव्स के साथ, यहाँ इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिलने वाली है दोनों ही तरफ। सामने की ओर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये टेसल्स मिल रही हैं, कितनी प्यारी और इस पे शेल लगी हुई है, एंड ये डोर मिल रही है जिसको आप खींच के अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नीचे देख सकते हो ये पूरी ही प्लाजो स्टाइल में है। प्लाजो क्या, जब आप इसे पहन रहे हो ट्राई ऑन में देख रहे हो तो ये पूरा स्कर्ट टाइप का लुक दे रहा है, तो बहुत अच्छी लग रही है, पूरी एकदम प्रॉपर एथनिक उसमें है और बहुत सुंदर है। ट्रस्ट मी गाइस, ये देख सकते हो पूरी ही नीचे से फ्रिल देखो कितनी प्यारी बनाई गई है, बहुत सुंदर बनाया गया है, बहुत प्यारी लग रही है। बात करें इसके प्राइस की तो 779 रुपीज़ की होने वाली है, एंड साइज मेरा इसमें स्मॉल होने वाला है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो पीस है उसमें स्मॉल है, बाकी सब में मीडियम साइज होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें से कुछ भी पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहाँ लिंक मिल जाता है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लिया करो, प्लीज़ मुझे, मैं एक चीज़ देखती हूँ इसीलिए मेरा थोड़ा कम मन करता है कि आप लोग मिंत्रा वगैरह का ना अमेजोन पसंद करते हो, मीशो पसंद करते हो, पर मिंत्रा पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि मैं जो कि मिंत्रा पे भी बहुत प्यारे प्यारे पीसेस में ला के आपको दिखाती हूँ एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो और आपको क्या चाहिए बताओ। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लेना, फिर कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। तो अगली बार मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, लव लव, बाय, टेक केयर, बाय।